ठीक गाइस, देखिए आज हम लोग ये वॉल हैंगिंग बनाएंगे, जो घर पर यूजलेस सामान होता है उसी से बन जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का कार्डबोर्ड लेना है और इस पे एक एक इंच पे मार्जिन पे लाइन ड्रॉ करना है चारों तरफ इस तरह से। अब इसको कटर से, पेपर कटर की हेल्प से इसको कट कर लेना है। देखिए ये इस तरह से कट हो गया, तो ये फ्रेम का शेप में आ गया है। अब इसको हम ये पेंट से इसको कलर कर देंगे, ब्लैक कलर है ये। देखिए इसको इस तरह से पूरे को पेंट कर देना है। ये फ्रेम दोनों साइड से इसको पेंट कर देना है। देखिए इस तरह से ये हो गया, सूख भी गया है। अभी पेपर लेना है, इसको इस तरह से हमको इसका स्टिक का शेप में बनाना है। देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करना है और फिर यहाँ पर फेविकॉल या कोई ग्लू आपके पास जो हो उससे इसको फिक्स कर देना है, तो ये स्टिक टाइप का बन जाता है। ये और दो बना लेना इस तरह से। इसके बाद ये स्टिक को, इसको भी ब्लैक कलर से ही हमको पेंट करना है। देखिए ये तीनों पीस बनकर सूख कर तैयार हो गया है। तो अब हम इस फ्रेम पर इसको लगाने के लिए तैयार करेंगे। तो इसको इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देना है, इसको फोल्ड कर देना है। इसके बाद इसको इस तरह से फिक्स कर देंगे। आपके पास अगर ग्लू गन हो तो ठीक है, और नहीं तो इस तरह से फेवी बॉन्ड भी बहुत काम करता है। इसको अटैच कर देना इस तरह से। दो तीन जगह लगा देने से ये फिक्स हो जाता है। थोड़ा सा प्रेस कर दें तो ये फिक्स हो जाएगा। इसी तरह से ये दोनों को भी बेंड करके और इस तरह से इसको भी आप अटैच कर लें। ये देखिए अब इस तरह से ये कलर वाला पेपर है, इसका स्क्वायर पीस हम कट कर लेंगे छोटा छोटा। ये 2x2 का है, ये 2x2 इंच का है। तो इस तरह से इसको देखिए, अब इसको बीच से ऐसे फोल्ड करना है, फिर एक और फोल्ड करना है, इसके बाद एक और फोल्ड कर लें और अब इसको लीफ का शेप दे देना है। इस तरह से इसको लीफ का शेप देना है, बढ़िया से इसको गोल आकार में। देखिए इस तरह से ये फ्लावर का शेप आया है, पर इसका एक हम पत्ती को हटा देंगे, थोड़ा ये बेंड उठा हुआ अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पर इसको फेविकॉल से चिपका देंगे तो ये एक्चुअल फ्लावर जैसा दिखने लगता है। देखिए इस तरह से हम और बाकी जो है पीस सबका फ्लावर बना लेंगे।
अब इसमें बीच में इस तरह से पॉइंट कर देंगे ब्लैक से, चाहे तो आप स्केच पेन से भी कर सकते हैं। तो ये फ्लावर रेडी है। अब हम ये फ्रेम ले लेंगे और इसको देखिए, फ्लावर को पीछे से थोड़ा सा पुश करने से इसको फ्लैट हो जाएगा उसका पीछे वाला सरफेस, तो इस पर ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। अब इसको इस फ्रेम पे पूरे पे अटैच कर देना है। इस तरह से जगह जगह पे पूरे पे अटैच कर देना है। तो देखिए कितनी जल्दी और कितने आसानी से बनकर तैयार हो गया है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।